बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू QM। तो इस लेक्चर का हमारा क्या मकसद है, हम चैप्टर 10 का गो थ्रू करेंगे जो है बुक वाला पोर्शन। तो चैप्टर 10 का यूनिट 1 किस बारे में है, एसोसिएशन या रिश्ता बिटवीन वेरिएबल्स। पहली एग्जांपल आपको बुक ने क्या दी, कुछ लोग हैं, कुछ ने बैचलर्स किया हुआ है, कुछ ने मास्टर्स किया हुआ है, और साथ सामने गिवन है कि वो ऑनलाइन पढ़ना पसंद करते हैं या जो है वो फिज़िकली पढ़ना पसंद करते हैं। तो हमने ये हिसाब लगाया कि इस डेटे को देख के हमें कोई ख़ास फीलिंग नहीं आ रही कि जो बंदा मास्टर्स वाला है वो फिज़िकल पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करता है या ऑनलाइन पढ़ना प्रेफर करता है, या जो बंदा बैचलर्स वाला है वो फिज़िकल ज़्यादा प्रेफर करता है या ऑनलाइन ज़्यादा प्रेफर करता है। क्योंकि आधे लोग जो हैं बैचलर्स, अगर हम देखा जाए बैचलर्स 3 लोग हैं, सॉरी 4 लोग हैं, इसमें से 2 कहते हैं ऑनलाइन पढ़ना है, 2 कहते हैं फिज़िकल पढ़ना है। मास्टर्स जो है वो 2 लोग हैं, आधे कहते हैं ऑनलाइन पढ़ना है, आधे कहते हैं फिज़िकल पढ़ना है। तो इससे हमें डेटा के दरमियान कोई ख़ास रिश्ता नहीं नज़र आ रहा है। लेकिन अगर चीज़ अपोजिट होती है, अगर मास्टर्स वाले सारे कहते हैं फिज़िकल पढ़ना है और बैचलर्स वाले सारे कहते हैं ऑनलाइन पढ़ना है, तो हम इस तरह का कोई कंक्लूजन निकालते हैं कि डिग्री का वे ऑफ लर्निंग से कोई ना कोई रिश्ता है। जो मास्टर्स वाला होता है वो उस साइड पे जाता है और जो बैचलर वाला है वो उस साइड पे जाता है। इस डेटे से हमें इस तरह का कोई हिंट नहीं मिल रहा। नेक्स्ट हमें जो बुक ने टॉपिक बताया, दैट इज स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट क्या होता है, अगर आप एक ग्राफ पे एक्स और वाई की मुख्तलिफ जो वेरिएबल्स हैं, जो डाटा है उसे जो है वो प्रेजेंट करें, तो उसे आप कहते हैं स्कैटर प्लॉट। लाइक फॉर एग्जांपल, ये आपके पास किसी क्लास का डाटा था, ये लोगों की हाइट्स हैं और ये लोगों के वेट्स हैं। इस 10 लोगों को अगर हम एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें उनकी हाइट और उनके वेट को, तो कुछ इस तरह की तस्वीर बनेगी। एक दफ़ा वेरीफाई करके देख लेते हैं क्या ये तस्वीर ठीक है। तो कोई एक डॉट मुझे बता दें। अच्छा, रिप्लाई तो कोई नहीं आएगा इस टाइम। मैं इस डॉट को ज़रा गौर से देखता हूँ। तो इस डॉट का एक्स एक्सिस क्या है, इसकी हाइट हमें थोड़ी सी कम लग रही है 250 से। हम कह सकते हैं कि इसकी हाइट तकरीबन 240 समथिंग होगी, जबकि इसका वेट क्या है, इसका वेट 40 से 50 के दरमियान है, कोई 48 या 49 हो गया। क्या इस तरह का कोई जो है वो लेट्स सी एग्जिस्ट करता है बच्चा? तो कौन सा ऐसा है, हमारी हाइट होनी चाहिए 240 के आसपास। तो ये हमें नज़र आया, हाइट है एक बंदे की 248 और वेट है इसका 48। हमने ये बंदा ढूंढ लिया कि इस बंदे का जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ये रहे। इसी तरह हमने यहाँ से यहाँ तक तो एक चीज़ देख ली, अब यहाँ से यहाँ भी एक देखते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, ये है 139 इसकी हाइट है, देखते हैं 139 हाइट वाला कोई बच्चा है, तो 139 हाइट वाला कौन हो सकता है, ये हो सकता है या ये हो सकता है या ये हो सकता है। वेट देखते हैं इसका क्या है, वेट है इसका 28 kg। यानी कि यहाँ हमने कह दिया ये जो बच्चा है ना वो दरअसल ये वाला बच्चा है। तो ये तो स्कैटर प्लॉट था। अब ये तो हमने देखा स्कैटर प्लॉट होता क्या है, उसमें हम डाटा किस तरह ढूंढते हैं, मकसद क्या है हमें यह स्कैटर प्लॉट दिखाने का। तो स्कैटर प्लॉट का इस टाइम मकसद ये है कि हम एक्स और वाई का जो रिश्ता है उससे ज़रा ग्राफिकली देख लें। तो ग्राफिकली हमें नज़र आ रहा है कि क्या एक्स और वाई यानी कि वेट और हाइट का कोई रिश्ता है। तो हमें देखने में ऐसा लग रहा है कि हाँ यार रिश्ता है, हाइट बढ़ती है तो वेट भी बढ़ता है। अगर मैं यहाँ से बीच में स्ट्रेट लाइन गुजार दूँ तो वो स्ट्रेट लाइन ज़्यादातर पॉइंट्स के ज़रा पास पास से गुजरेगी, तो हम कहेंगे कि हाँ हमें हल्का फुल्का थोड़ा बहुत रिश्ता जो है वो देखने में नज़र आ रहा है। ये तो थी पहली एग्जांपल। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस किस तरह की जो है वो कोरिलेशन हो सकती है। तो हमें 5 तरह की डायग्राम्स दिखाई जाएंगी। सबसे पहली डायग्राम देखें, यहाँ हमें हाइट और वेट में कोई रिश्ता नज़र आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं। अजीबोगरीब किस्म का ये है, कहीं हाइट कम है तो वेट ज़्यादा है, कहीं वेट कम है तो हाइट ज़्यादा है। हम कहेंगे कि अगर हमने स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ की तो ज़्यादातर पॉइंट जो उसके आसपास नहीं होंगे, ये सर्कुलर रीजन में जो है ये सारे स्कैटर प्लॉट्स हैं, तो हम कहेंगे कि कोई ख़ास कोरिलेशन नहीं एग्जिस्ट कर रही। जबकि अगर हम इधर देखें, स्ट्रेट लाइन है और सारे जो पॉइंट्स हैं वो स्ट्रेट लाइन के पास पास हैं। एक तीसरी चीज़ भी देखते हैं, वंस अगेन स्ट्रेट लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो ज़्यादातर पॉइंट जो होंगे वो स्ट्रेट लाइन के पास पास होंगे। तो यहाँ और यहाँ हमें कोरिलेशन नज़र आ रही है और यहाँ जो है वो नहीं आ रही। अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, ये पॉजिटिव जो है वो एसोसिएशन है कि एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी चीज़ भी इंक्रीज़ होगी, जबकि ये नेगेटिव है। एक चीज़ यानी कि हाइट इंक्रीज़ हो रही है तो आपका जो वेट है वो डिक्रीज़ कर रहा है। यहाँ स्लोप पॉजिटिव है तो जो है वो एसोसिएशन पॉजिटिव है, और यहाँ स्लोप नेगेटिव है तो एसोसिएशन भी जो है वो नेगेटिव है। नेक्स्ट, आपके पास स्कैटर प्लॉट्स की बुराइयाँ की जा रही हैं कि ऐसा हो सकता है कि आपको रिश्ता नज़र आए लेकिन असल में रिश्ता ना हो, सिर्फ 2 वेरिएबल्स के लिए यूज़ हो सकता है, और ऐसा हो सकता है कि अगर डेटा बहुत कम हो तो हमारा जो है वो जो है स्कैटर प्लॉट वो सही जो है वो एनालिसिस ना हमें करके दे। तो लिमिटेशंस एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, एक दफ़ा MCQs के लिए।
नेक्स्ट एमसीक्यूज हम अगली क्लास में करेंगे, इस चैप्टर में, इस जो क्लास में हमने सिर्फ थ्योरी वाला पोर्शन जो है वो डिस्कस करना है। नेक्स्ट आपके पास आ रही है कोरिलेशन की टाइप्स। टाइप्स ऐसे वैसे कहना सही नहीं है, कोरिलेशन की मुख्तलिफ फॉर्म्स, कि कोरिलेशन इंतहाई शदीद कोरिलेशन है, थोड़ी बहुत कोरिलेशन है, बिल्कुल कोरिलेशन नहीं है, नेगेटिव थोड़ी बहुत कोरिलेशन है, या नेगेटिव इंतहाई शदीद कोरिलेशन है। तो उसकी वैल्यूज पता करने का एक तरीका ये तो ये है कि आपका कोरिलेशन जो है कोएफिशिएंट उसकी वैल्यू आ जाए, उस वैल्यू को आप कंपेयर करें माइनस वन से और प्लस वन से। अगर आर जीरो आ गया आप कहेंगे कोई कोरिलेशन नहीं है, आर अगर पॉजिटिवली 0.7, 0.8, 0.9 आ गया आप कहेंगे स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, आर एग्जैक्टली 1 आ गया आप कहेंगे इंतहाई शदीद कोरिलेशन है, यानी कि परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन है, और अगर आर माइनस 0.7, माइनस 0.8, माइनस 0.9 वगैरह आता है तो आप कहेंगे कि नेगेटिव कोरिलेशन है, और आर इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया तो आप कहेंगे इंतहाई शदीद नेगेटिव कोरिलेशन है, और अगर आर आपका माइनस 1.5 आ जाए आप कहेंगे डेटा ही गलत है, क्योंकि आर 1.5 हो ही नहीं सकता, माइनस 1 से लेके पॉजिटिव 1 के दरमियान जो है वो हो सकता है। नेक्स्ट आपको पांच तरह की डायग्राम्स दिखाई जा रही हैं। आर स्ट्रेट लाइन के पास पास है ज्यादातर पॉइंट, जरूर आर जो है वो पॉजिटिव होगा, 0.6 0.7 के करीब होगा। नेक्स्ट स्ट्रेट लाइन है और सारे के सारे पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं, या शदीद पॉजिटिव कोरिलेशन है। नेगेटिव लाइन के पास पास है ज्यादातर पॉइंट्स, हम कहेंगे नेगेटिव कोरिलेशन है, माइनस 0.6 माइनस 0.7 के करीब करीब। जबकि स्ट्रेट लाइन सारे के सारे पॉइंट्स जो इस लाइन पे फॉल कर रहे हैं हम कहेंगे शदीद नेगेटिव कोरिलेशन है, जबकि यहां हम कहेंगे कि कोई कोरिलेशन नहीं है, रेंडम है सारे जो एलिमेंट्स हैं। तो अब यहां हमें पता लग गया कि आर की वैल्यूज कैलकुलेट कैसे करनी है, मतलब आर की वैल्यूज अगर हमारे पास कैलकुलेटेड आ जाए तो क्या होगा। नेक्स्ट चीज हमने पता लगानी है कि आर की वैल्यूज कैलकुलेट कैसे करनी है, तो हमारे पास दो तरह के फॉर्मूले हमें आई कैप की बुक ने बताए, और तीसरा फॉर्मूला कैलकुलेटर जिंदाबाद। तो अब यहां इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करने के बजाय टाइम सेव करने के लिए हम कैलकुलेटर से एक सवाल सॉल्व करते हैं। क्या तरीकेकार है, कैलकुलेटर उठा ले, मैं जबानी आपको बता रहा हूं। सबसे पहले सेटअप दबाएं, सेटअप पे आपके पास लिखा होगा STAT स्टैट, स्टैट दबाएं, फिर वो आपसे पूछेगा एक वेरिएबल है एक ज्यादा वेरिएबल है, सेकंड ऑप्शन ए प्लस बी एक्स के नाम से जो आ रहा होगा दो वेरिएबल्स वाला, उस पर क्लिक करें। वो आपसे कह रहा होगा ऐसा करें बता दे डाटा एंटर करें। जस्ट अ मिनट, मैंने पिछले जो सवाल कराया था उसमें फ्रीक्वेंसी ऑन की हुई थी, तो आप फ्रीक्वेंसी ऑफ कर लें, हमें फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं है। दोबारा से हम स्टैट में गए, टू वेरिएबल्स में गए, क्या हमने वैल्यू पुट करनी है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हम एक्स के कॉलम में वैल्यूज पुट कर रहे थे, और वाई के कॉलम में हमने क्या वैल्यूज पुट करनी है 2 3 1 4 6 और 5। एसी वाला बटन दबाया ताकि ये सारा का सारा गायब हो जाए, शिफ्ट दबा के स्टैट दबाया। नेक्स्ट हम क्या निकालें, रिग्रेशन या वेरिएंस, हम रिग्रेशन वाले चैप्टर पे है तो 7 पे क्लिक करेंगे ताकि रिग्रेशन खुल जाए। अब यहां वो आपसे कह रहा है कि ए निकाल दें, बी निकाल दें या आर निकाल दें, तो हमने आर पे क्लिक किया, कैलकुलेटर बोला 0.7714, चेक करें आर इज इक्वल टू 0.7714। लेकिन वंस अगेन मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि फॉर्मूला इग्नोर कर दें, फॉर्मूला भी जरूरी है। इस तरह का एमसीक्यू भी आपके पास आ सकता है कि सिग्मा एक्स ये है, सिग्मा वाई ये है, सिग्मा एक्स स्क्वायर ये है और सिग्मा वाई स्क्वायर ये, ऐसा करो बता दो आर क्या है, तो फॉर्मूला भी याद जरूर रखना है। लेकिन अगर आपके पास डाटा इस फॉर्म में आ जाए तो जरूर कैलकुलेटर यूज करके अपना टाइम जो है वो सेव कीजिएगा, टाइम मैनेजमेंट जो है वो उतनी ही जरूरी है जितने आपके कॉन्सेप्ट जरूरी है। नेक्स्ट आपको जो इसका सेकंड मेथड था, दूसरा फॉर्मूला था, ये भी याद करना जरूरी है। एमसीक्यू उस तरह के भी आ सकते हैं कि आपको एक्स में से एक्स का डिफरेंस बता दिया जाए, वाई में से वाई का डिफरेंस बता दिया जाए, तो ये जो है आपने फॉर्मूलाज याद रखने हैं। इस तरह भी आर का जो आंसर है वो 0.7714 ही आएगा। नेक्स्ट फॉर द फॉलोइंग टेबल आउटपुट और टोटल कॉस्ट का जो है वो आर निकाल दें। वंस अगेन कैलकुलेटर से करते हैं, स्टैट में गया, टू वेरिएबल्स में गया, एक्स में वैल्यू पुट की 17 15 12 22 18, वाई की वैल्यू हमने क्या पुट की 63 61 52 74 और 68, शिफ्ट दबा के 1 दबाया, रिग्रेशन में गए, आर पे क्लिक किया, कैलकुलेटर बोला 0.98469, चेक करें हमने कुछ सेकंडों में पूरा सवाल सॉल्व कर लिया, जो कि बुक अगर हम फॉर्मूले से करते हैं तो पहले हमें ये कॉलम क्रिएट करना पड़ता है, फिर ये
और फिर ये रेगुलर क्लास में इस एक सवाल पे हम 5-10 मिनट लगा देते होते हैं, जबकि रिवीजन क्लास में हमने कैलकुलेटर से डायरेक्ट सॉल्व किया और हम जा रहे हैं आगे। नेक्स्ट, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन वो क्या होता है? तो ये आपको डेफिनेशन गिवन है कि ये स्क्वायर होता है और ये एक्सप्लेन करता है कि कितना वैल्यू में जो वाई की चेंज है, इट इज़ एक्सप्लेन बाय द वैल्यू ऑफ एक्स। ये डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, आपसे भी पूछा जा सकता है कि ये जो चीज़ है वो किसे रिप्रेजेंट करती है, तो वो कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन को रिप्रेजेंट करती है, आर स्क्वायर को जो है वो डिटरमिन करती है। कैलकुलेशन करना इंतहाई आसान है, सिंपली आर कैलकुलेट करें, उसका स्क्वायर कर लें। और एक और फॉर्मूला आपको बताया जा रहा है, स्पीयरमैन रैंक कोएफिशिएंट, वो किस केस में यूज होता है? वो आपका वहां यूज होता है जब डाटा आपको रैंकिंग के फॉर्म में गिवन हो। लाइक फॉर एग्जांपल, ये डाटा देखा देखा नहीं लग रहा? हाँ जी बिल्कुल देखा देखा लग रहा है। अब हमें इतना याद है कि इसका आंसर 0.7714 आया था, एक दफा से स्पीयरमैन वाले फॉर्मूले से भी अगर हम देखें तो वैल्यू जब हम पुट करेंगे कर ही लेते हैं थोड़ा सा टाइम लगा के, क्योंकि इसमें फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 1 - 6 into sigma d square into n into n square - 1। अब यहां कैलकुलेशन हमने क्या करनी है, d square कहां से आएगा, डिफरेंस इन दोनों का। तो अगर मैं कॉलम बनाऊं d का, 1 - 2 क्या होता है, -1, 2 - 3 क्या होता है, -1, 3 - 2 क्या होता है, 2, 4 - 4 0, -1 और +1। हमें चाहिए इसके स्क्वायर का सिग्मा, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1 का सम करें, 1, 2, 2, 4, 6, 7, 8, ये आपके पास आ गया सिग्मा डी स्क्वायर 8। 1 - 6 into 8 डिवाइडेड बाय एन, कितने फिगर्स थी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 into 36 - 1। कैलकुलेटर से पूछें ये क्या होता है, 1 - 6 into 8 डिवाइडेड बाय 6 into 36 - 1। गड़बड़ नजर आ गई, ये जो माइनस वन है ये ब्रैकेट के अलहदा है, इसे आपने यहां नहीं लिखना, ये चेक करें, ये हमने कैलकुलेटर पर सही नहीं पुट किया। तो 1 - 6 into 8 डिवाइडेड बाय 6 into 36 - 1, कैलकुलेटर बोलेगा 0.7714। तो ये था रैंक कोरिलेशन, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करने का तरीका, जो कि सेम आर की तरह ही होता है। नेक्स्ट, प्रैक्टिस मटेरियल आ गया, प्रैक्टिस मटेरियल के लिए हमने कल की पूरी क्लास रखी है, कल की पहली क्लास। नेक्स्ट, लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस वो क्या होता है? तो लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस, हमने पहले तो हम ये पता लगा रहे थे कि कितना जो है रिश्ता पाया जा रहा है और रिश्ता है भी कि नहीं। इस केस में हमें इतना तो कन्फर्म होता है कि यार कुछ ना कुछ रिश्ता तो है, उस रिश्ते की बेसिस पे हम फोरकास्टिंग वगैरह करते हैं कि अगर एक्स इतना है तो वाई उतना हुआ करेगा। याद करें चैप्टर वन वाले कॉन्सेप्ट, हमारे पास अगर इक्वेशन गिवन हो तो हम एक्स की वैल्यू पुट करते थे तो वाई की वैल्यू आ जाती थी ना, ये वही चीज़ है। लेकिन उस उधर हमें इक्वेशन क्रिएट करनी पड़ती, इक्वेशन जो थी वो बनी बनाई आ जाती होती थी, यहाँ हमें इक्वेशन जो है वो खुद कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे अभी देख लेते हैं। इससे पहले कि हम देखें ये डायग्राम हमें क्या बताना चाह रही है, ये डायग्राम हमें ये बता रही है कि इस स्ट्रेट लाइन पे आप कोई भी जो है वो x की वैल्यू पुट करें तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन आपके पास लाइन होनी चाहिए, रिग्रेशन लाइन, ये आपके पास रिग्रेशन लाइन गिवन है। एक दफ़ा ज़्यादा तसल्ली कर लीजिएगा, x में आपने वैल्यू पुट करनी है 186.3, तो यकीनन आंसर जो y का है वो 42.9 ही आया करेगा। ये ग्रीन के ऊपर ग्रीन कम नज़र आ रहा है, कोई बात नहीं, पेन चेंज कर लेते हैं। ये ले लें, आइकॉन हमने चेंज कर लिया। अच्छा, एक और जो है हमें बात जो इस पेज पर बताई जा रही है, दैट इज़ बी और ए का फॉर्मूला। वंस अगेन, क्लास में हम बी और ए से सवाल सॉल्व करते हैं, लेकिन फिलहाल रिवीजन मोड में मैं आपको डायरेक्ट कैलकुलेटर वाला तरीकेकार बता रहा हूँ। जिस तरह आर आपने निकाला था, सेम उसी तरह के से आपका बी और ए है वो भी कैलकुलेट हो सकता है। और इस पेज पर आपको एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताया जा रहा है, दैट इज़ आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट बी ऑफ एक्स ऑन वाई इंटू बी ऑफ वाई ऑन एक्स। ये एक बड़ा परेशान कुन किस्म का कॉन्सेप्ट है, बड़े स्टूडेंट जो है वो इस पर कन्फ्यूज होते हैं, तो मैं आपको ये भी बताता चलूँ, बी ऑफ एक्स ऑन वाई और बी ऑफ वाई ऑन एक्स में क्या फ़र्क है। तो जो हम सीधा बी क्रिएट करते हैं, जो कि जैसे कि ये लाइन है, यहाँ आपका ये जो एक्स का कोएफिशिएंट है ये बी है,
तो ये जो एक्स का कोएफिशिएंट बी है, ये किस चीज का क्या है? दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ बी ऑफ वाई ऑन एक्स. वाई पहले आ रहा है, एक्स बाद में आ रहा है. दिस इज बी ऑफ वाई ऑन एक्स. तो बी ऑफ एक्स ऑन वाई क्या होगा? वो इसका ऑपोजिट होगा. अगर हम इस जो टेबल है उसे उल्टा कर दें, इससे हम एक्स एक्सिस कंसिडर करें, इसे हम वाई एक्सिस कंसिडर करें, फिर जो बी आएगा, फिर जो स्लोप आएगी सवाल की एक्स की, वो उसे हम कंसिडर करेंगे बी ऑफ एक्स ऑन वाई. कैलकुलेटर पे अगर हमने करना हो तो कैसे करेंगे? हम जो वैल्यूज है ना वो स्विच कर देंगे, एक्स के बजाय वाई की वैल्यूज लिखेंगे, वाई के बजाय एक्स की वैल्यूज लिखेंगे, फिर जो आपका बी आएगा दैट विल बी बी ऑफ एक्स ऑन वाई. डिफॉल्ट वाला क्या होता है? बी ऑफ वाई ऑन एक्स. तो ये फॉर्मूला भी हमने माइंड में रखना है, आगे काफी सारे सवाल में जो है वो ये काम आएगा. कंटिन्यू. कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? फोरकास्टिंग. अच्छा, एक्स हमारे पास ये है, वाई हमारे पास ये है, लेकिन एक मिनट, मुझे कैसे पता चला इसमें से एक्स क्या है, इसमें से वाई क्या है? तो यहां वंस अगेन हमारा कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए. हमारे हाथ में क्या है? टोटल खर्चा, या ये कि हमने कितने यूनिट्स बनाने हैं. तो कितने यूनिट्स बनाने हैं ये फैक्ट्री मालिक के हाथ में होते हैं, और इससे खर्चा कितना होगा ये डिपेंड करेगा जो आपका खर्चा है इस रिग्रेशन लाइन के ऊपर. तो सवाल हमसे चाहता क्या है? सवाल हमसे फोरकास्टिंग करवा रहा है कि ये जनवरी फरवरी मार्च से लेकर जून तक इतने हमने यूनिट्स बनाए, इतना हमारा खर्चा हो गया. ऐसा करो, बताओ फ्यूचर में कैलकुलेट करने के लिए कि कितना खर्चा होगा कि हम एक्स की वैल्यू पुट करें, ये पुट करें कि कितने हमने यूनिट्स बनाने हैं, हमारे पास जो वाई है, जो टोटल कॉस्ट है वो कैलकुलेट हो जाए. हमें चाहिए इक्वेशन. क्या इक्वेशन? वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स. हमें ए और बी चाहिए. कैसे आएगा? चूंकि हम रिविजन क्लास में हैं इसलिए हम जल्दी से कैलकुलेटर पर सारी वैल्यूज पुट करते हैं. तो वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स. शिफ्ट दबाया, सेटअप दबाया, स्टैट में गए, कैलकुलेटर ने पूछा वन वेरिएबल या टू वेरिएबल. मैंने कहा भाई टू वेरिएबल मुझे चाहिए, एक्स भी है और वाई भी. हमारे पास डाटा एंट्री आ गई, एक्स की वैल्यूज मैंने क्या पुट की? 5.8, 7.7, 8.2, 6.1, 6.5 और 7.5. वाई की क्या वैल्यूज होंगी? 40.3, 47.1, 48.7, 40.6, 44.5, 47.1. यहाँ एक गलती जो क्लास में अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं, इस तरह का आपके पास व्यू आ रहा है ना, 1, 2, 3 एक्स की वैल्यूज, वाई की वैल्यूज. कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि यहाँ लिखा 5.8, फिर लिखा 7.7 और सो ऑन, यहाँ से फिर वो वाई की वैल्यूज लिखना शुरू करते हैं 40.3. ऐसा बिल्कुल नहीं करना. जो एक्स की वैल्यू है उसके बिल्कुल सामने जो है वो वाई की वैल्यू लिखेंगे तो आंसर सही आएगा. वैल्यूज मैंने सारी पुट कर ली है सीधे तरीके से. अब मैं इसे एसी दबाया, शिफ्ट दबा के स्टैट दबाया, रिग्रेशन में मैं गया, ए पे क्लिक किया, कैलकुलेटर बोला ए इज इक्वल टू 19.74. इसी तरह मैं शिफ्ट दबा के स्टैट दबाया, मैं रिग्रेशन में गया, मैंने बी पे क्लिक किया, कैलकुलेटर बोला बी इज इक्वल टू 3.5848. अच्छा, हमारे पास ए और बी निकल आया, हमारे पास मुबारक को रिग्रेशन लाइन क्रिएट होगी वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स. यानी कि वाई इज इक्वल टू ए प्लस 19. ए तो अब नहीं आएगा डायरेक्ट, उसकी वैल्यू आएगी 19.74 प्लस 3.5848 इंटू एक्स. अब यहाँ हम एक्स की कुछ भी वैल्यू रख दें. अगर फैक्ट्री मालिक हमसे कहे कि अच्छा बताओ अगर मैं 3000 यूनिट्स बनाता हूँ तो मेरा कितना खर्चा होगा, हम एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 3, तो हमारे पास वाई निकल आएगा. फैक्ट्री मालिक कहता है मैंने 15000 यूनिट्स बताने हैं तो मुझे टोटल कॉस्ट बता दो, हम यहाँ एक्स की वैल्यू 15 पुट करेंगे, हमारा आंसर वाई का आ जाएगा. तो ये तो था. अच्छा, अगर हम लंबे रूट से करते हैं तो हमारा आंसर इस तरह से आता, हम फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं और चेक करें आंसर अभी भी सेम है 19.74 और 3.58, यानी कि हम सही जा रहे हैं. और आगे फोरकास्टिंग, उसने हमें दो तरह की वैल्यू जो है वो जूम करके दे दी, 3000 ज़ूम किया एक्स और जो है वो 10000 ज़ूम किया. दोनों केसेस में हमारे पास वाई की वैल्यूज निकल आई 30.5 मिलियन और 55.6 मिलियन. नेक्स्ट, आपको यही जो है डाटा, इससे सेकंड जो मेथड था ए और बी निकालने का, उससे जो है कैलकुलेशन करके दिखाई गई. एक नज़र देख लेते हैं क्या हमें करना पड़ा. हमें मुख्तलिफ कॉलम्स क्रिएट करने पड़े, पहले एक्स में से एक्स माइनस मीन वाला कॉलम, फिर वाई माइनस वाई के मीन का कॉलम, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों को स्केयर किया और फिर वैल्यूज पुट की, तो हमारे पास बी की वैल्यू आई. एक मिनट, कहीं ये डाटा दूसरा तो नहीं है? हाँ जी, ये डाटा दूसरा है, कोई बात नहीं, इस पर भी करके देख लेते हैं कैलकुलेटर के थ्रू. तो शिफ्ट पे गए,
स्टैट दबाया और सेटअप दबाया, स्टैट दबाया, दो वेरिएबल्स पे गए, एक्स की वैल्यू है 17, 15, 12, 22, 18, पांच वेरिएबल्स, और वाई की वैल्यूज़ क्या है 63, 61, 52, 74, 68, शिफ्ट दबा के 1 दबाया, रिग्रेशन में गए, ए आया 26.93, और बी हमारे पास क्या आएगा, शिफ्ट दबा के आरजीबी क्लिक किया, बी पे क्लिक किया, कैलकुलेटर बोला बी इज इक्वल टू 2.1824, y is equal to 26.93 plus 2.1824 into x. अब हम यहाँ x की कोई भी वैल्यू पुट करें, हमारे पास जो है वो y की वैल्यू भी निकल आएगी. लेट्स सी कि हमने सही कैलकुलेट कर लिया. तो हाँ जी चेक करें, y is equal to 26.93 plus 2.18. अभी हमने x की वैल्यू पुट करनी है तो हमारी फोरकास्टिंग जो है वो हो जाएगी. नेक्स्ट हमारे पास जो है वो लिमिटेशंस हैं. क्या लिमिटेशंस हैं, हमारे पास टाइम है तो एक नज़र पढ़ लेते हैं. जो एनालिसिस है सिर्फ दो तरह के वेरिएबल्स पे किया जा सकता है, यानी कि एक्स और वाई पे, और देर आर अदर वेरिएबल्स विच माइट अफेक्ट जो है वो आउटकम. तो जहर सी बात है अदर फैक्टर्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो सिर्फ एक्स और बी, एक्स और वाई उसी की बात हो, मुख्तलिफ फैक्टर्स और भी होते हैं, गवर्नमेंट रेगुलेशंस वगैरह, टैक्सेस वगैरह, लोड शेडिंग वगैरह. तो इस तरह इससे भी फोरकास्टिंग पे असर पड़ता है. अगर रिग्रेशन लाइन नहीं यूज़ करनी चाहिए, अगर जो है ज़्यादातर पॉइंट्स जो थे वो रिग्रेशन लाइन के आसपास फॉल नहीं कर रहे. अच्छा एक और बात, रिग्रेशन और कोरिलेशन में क्या फ़र्क होता है, ये भी रीडिंग वाली बात है. तो रिग्रेशन आपको एग्जैक्ट जो है वो फोरकास्टिंग करके देती है, जबकि कोरिलेशन सिर्फ आपको ये बताती है कितना स्ट्रॉन्ग रिश्ता पाया जा रहा है एक्स और वाई के दरमियान. एक और आपको जाते जाते बुक ने फॉर्मूला बताया, दैट इज़ आर इज इक्वल टू बी ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई, और इससे आप रिवर्स कर दें तो आपके पास आ जाएगा बी का फॉर्मूला. तो इससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये वाला है कि R is equal to square root b of x on y into b of y on x. इसके साथ ही हमने चैप्टर 10 का जो पोर्शन था, थ्योरी पोर्शन था, वो मैक्सिमम जो है वो गो थ्रू कर लिया है. हमारे पास टाइम जो है वो अभी भी काफ़ी पड़ा है, तो ऐसा करते हैं इसकी प्रैक्टिस भी जो है वो थोड़ी बहुत, एक यूनिट इसका अभी कर लेते हैं और एक यूनिट हम इसका कल कर लेंगे. तो यूनिट 1 अभी देख लेते हैं, देखते हैं हमें सारे MCQs होमवर्क के लग रहे हैं, सारे कर लेते हैं. If the values of two different variables x और y एक्सिस पे हैं, तो जो प्लॉट है उसे क्या कहलाता है, वो स्कैटर डायग्राम होती है. फ्रॉम द इंस्पेक्शन ऑफ स्कैटर डायग्राम देखा जाए कि अगर स्ट्रेट लाइन फॉलो की जा रही है तो दो आपस में रिश्ता होता है कि नहीं रिश्ता होता, हम कहते हैं लीनियर रिश्ता दोनों के दरमियान पाया जा रहा है. स्कैटर डायग्राम में अगर रैंडम पैटर्न होता है हम कहते हैं कोई रिश्ता नहीं है. अगर डिपेंडेंट वेरिएबल को क्या कहलाया जाता है, ये अगर आप रीडिंग कर लें तो यहाँ एग्जैक्टली आपके पास मुख्तलिफ नाम गिवन है. डिपेंडेंट वेरिएबल को रिस्पॉन्स या एक्सप्लेन्ड वेरिएबल भी कहते हैं, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को प्रिडिक्टर और अनएक्सप्लेन्ड वेरिएबल भी कहते हैं. यहाँ से आपको आंसर इसके मिल गए. इसके अलावा प्रिडिक्टर को ऑल्सो क्या कहलाया जाता है, ये भी हमने पीछे देख लिया. आइडेंटिफाई लिमिटेशन ऑफ अ स्कैटर डायग्राम यूजफुल चीज़ होती है, तो ये लिमिटेशन तो ना हुई. माइट इंडिकेट अ रिलेशनशिप बिटवीन देयर इज नो वन, हाँ ये एक लिमिटेशन है. माइट लीड टू इनकरेक्ट कंक्लूजन, हाँ जी ये भी लिमिटेशन है. तो दो लिमिटेशंस थी, तीसरी वाली जो थी वो लिमिटेशन नहीं थी. थोड़ा सा यहाँ ब्रेक करते हैं, अपनी प्रैक्टिस यहाँ से आगे कंटिन्यू करें, और मिलते हैं कल वाले लेक्चर में बकाया जो चैप्टर है उसकी प्रैक्टिस के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.